जब मैं युवा था, हमारे चाचा जी थे वो मथुरा में किशोर यमन डिग्री कॉलेज में पढ़ते थे बीए कक्षा में। उनके पास अंग्रेजी की एक पुस्तक थी, उस पुस्तक में और बहुत सारी बातों के अलावा एक कहानी भी थी। मैंने सबसे पहले वो कहानी पढ़ी। उस कहानी का नाम था द कंट्री ऑफ द ब्लाइंड्स, इसका हिंदी अनुवाद होता है अंधों का देश। मेरे अंदर बड़ी उत्सुकता हुई अंधों का देश। एक आदमी अंधा होता है, अगर सोचिए हमारे आपके पास आंखें ना हो तो जीवन कैसा होगा, कल्पना करके देखिए। एक दिन अपनी आंखें बंद कर लीजिए, पट्टी बांध लीजिए और फिर काम करके देखिए जीवन में किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आंख नहीं हो तो वो एक व्यक्ति के जीवन में अगर आंख ना हो तो उसको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और अगर पूरा का पूरा देश के जितने नागरिक हैं किसी के पास आंख नहीं हो तो क्या होगा। तो ये एक अद्भुत है। अब देखो कहानी तो कहानी होती है, वो तो कल्पना होती है। पूरा का पूरा देश अंधों का हो, सबके सब अंधे हो, ऐसी किसी कहानीकार ने कल्पना की। उस कहानी के लेखक का नाम है एच जी वेल्स, अंग्रेजी साहित्य के बड़े सुप्रसिद्ध लेखक हैं। हिंदी में जैसे प्रेमचंद, किशन चंदर इन लेखकों का नाम है, उसी प्रकार से अंग्रेजी साहित्य में एच जी वेल्स का नाम है। उन्होंने ये कहानी लिखी। अब उन्होंने अपने मन में कल्पना की हो अंधों का देश, बहुत रोचक कथा है और हर एक को पढ़नी चाहिए अंधों का देश। उसमें क्या है कि कोई पहाड़ है, उस पहाड़ के दूसरी तरफ का एक बड़ा भूभाग है, उस भू और वो भूभाग में रहने वाले लोग बड़े समृद्ध थे, बड़े सुखी थे, बड़े खुश थे, बड़े प्रसन्न थे। फिर क्या होता है कि कोई भूकंप आता है, उस भूकंप के कारण जो पृथ्वी का एक भाग है वो कट जाता, टुकड़ा अलग हो जाता है विश्व के अन्य भागों से, वो बिल्कुल अलग हो जाता है और बीच में पहाड़ आ जाता है। अभी भौगोलिक परिवर्तन है, होते रहते, तो विश्व के अन्य भागों से वो कट जाता है और उसके बाद वहाँ कोई अजीब सी बीमारी फैलती है, जैसे कोरोना फैला था ऐसे कोई विचित्र सी बीमारी फैलती है और वहाँ जितने रहने वाले हैं सबकी आंखें धीरे धीरे चली जाती हैं, सब अंधे हो जाते हैं। और सब अंधे हो जाते हैं लेकिन भगवान ने, भगवान अंधा करेगा तो कुछ ना कुछ तो करेगा ना भाई, कैसे जीवन चलाएंगे। तो उनके अंदर कोई ऐसी शक्ति विकसित हो जाती है कि उस शक्ति के कारण वो अपना दैनंदिन सब कार्य करते, सब अंधे। तो उस देश में एक राजा होता है वो भी अंधा, उसकी राजकुमारी होती है वो भी अंधी, वहां पुलिस है वो भी, सब अंधे हैं। अद्भुत कल्पना है। वहां जितने नागरिक हैं चाहे किसी धंधे, सब धंधे कर रहे हैं और सबके सब अंधे हैं और सब अपना व्यवहार भी कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में पर्वतारोहियों का एक दल वो पर्वत पर आरोहण करता है, चढ़ता है और उधर से उतरते समय उनमें से एक फिसलता है और फिसल करके वो जो देश का वो भाग है जहाँ सब अंधे रहते हैं उधर ही फिसलते फिसलते जाया जाता है और बाकी लोग सब दूसरी तरफ फिसल जाते हैं, वो फिसल के उधर चला जाता है। जब वो पर्वत की बिल्कुल तलहटी में नीचे पहुंचता है लुढ़कता हुआ, तो फिर खड़ा होता है, फिर देखता है तो उसको दूर कुछ लोग दिखाई देते हैं, उनके पास वो जाता है, तब उसको पता पड़ता है कि अरे ये तो संबंध है। अब उन लोगों को मालूम पड़ जाता है, कोई उनके अंदर सेंस ऐसी विकसित हो जाती है कि वो पता कर लेते हैं कि कोई बाहर से आया है कोई, तो वो उसको पूछते हैं कि तुम कहाँ से आए, तो वो बताता है कि मैं ऐसे ऐसे आया हूँ वहाँ से। अब उनसे बात करता है तो वो उसको लेकर के अपने नगर में वहाँ जाते हैं, अपने जहाँ उनका घर बाहर है वहाँ वो दूसरे लोगों से उसे मिलवाते हैं। वो देखता है कि सारे से सब के सब लोग अंधे हैं। अब वो उनके बीच में बिल्कुल नया है तो वो उससे पूछते हैं तुम कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, क्या है।
वो सब बताता है। तो उन लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है, बोले ऐसा भी कोई देश है बाहर। तो अब देखो संसार में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो हम आंख से देखते हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, वृक्ष है, पेड़ है, पौधे हैं, तो आंख से देखते हैं, हरा है, नीला है, पीला है, काला है, गोरा है, वो उनको बताता है। तो उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसा भी कहीं हो सकता है, माने जो चीज हम नहीं जानते हैं वो ये बता रहा है। तो ये कैसे बता रहा है, ये सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, क्या है? तो सब में एक बड़ी उत्सुकता जागृत हो जाती है। जैसे मान लो कोई, अब ऐसा हमने सुना है कोई UFO अनआइडेंटिफाइड फॉरेन ऑब्जेक्ट, एक UFO अमेरिका में बहुत आते हैं, बोले पर दूसरे ग्रह से आए हैं। अब कोई ऐसा आवे, मान लो कल्पना करो दूसरे ग्रह से, और वो हम लोगों के बीच में आ जाए और वो उस ग्रह की बातें बताने लगे, तो हम लोगों को विश्वास होगा? नहीं होगा। तो इसी तरह से वो बताता है तो उन लोगों को विश्वास नहीं होता है। कि अब वो धीरे धीरे खबर फैलती है चारों तरफ, सारे नगर में सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं, भाई ये कौन आया है, ये कैसी अद्भुत बातें कह रहा है, ऐसी बातें कह रहा है जो हम लोगों ने कभी जानी नहीं, कि ये ऐसी क्या चीज होती है। तो उस देश का राजा होता है, उसके पास पकड़ करके ले जाते हैं लोग, ये कोई आया है कहीं से और ये ऐसी अद्भुत अद्भुत बातें कहता है। राजा दरबार में उसको पेश किया जाता है, वहां भी वो सब देखता है, सबके सब अंधे, और वो सब बातें बताता है तो किसी को विश्वास ही नहीं होता, ऐसा कहीं हो सकता है। तो राजा कहता है कि ये इसको रखो, कैद करके इसको जाने मत दो, इसका पता लगाओ कि ये जो बातें कहता है ये सही है गलत है। तो वहां उस देश में डॉक्टर भी है, डॉक्टरों को आदेश होता है कि इनका पता लगाओ कि इसमें क्या बात है, ये ऐसी बातें क्यों कहता है, उटपटांग बातें बोलता है, कहता है सूर्य है, चंद्रमा है, क्या होता है सूर्य चंद्रमा, हमने तो देखा नहीं, उनके यहाँ देखने कोई शब्द ही नहीं है, देखना क्या होता है। डॉक्टर पता लगाते हैं, पूरा पता लगाते हैं, उसको लिटा करके स्ट्रेचर पर देखते हैं। अब डॉक्टर खुद अंधे तो पता लगाते यहाँ क्या है क्या है, तो देखते हैं पैर तो हमारे जैसे है, ऊपर चढ़ते हैं बोले हर एक अंग बोले हमारे जैसा है, आते आते फिर आंखों पे आते हैं बोले हाँ ये है, ये चीज है कुछ जो हमारे पास नहीं है, इसी की वजह से ये ऐसी उठपटांग बातें कहता है। ये डॉक्टरों का निष्कर्ष निकला, तो उन्होंने अपना वो टेस्ट करते हैं, डॉक्टर सब टेस्ट ले देते हैं, ब्लड टेस्ट करवाओ, फलाना टेस्ट, ढिकाना टेस्ट, तो सब वो टेस्ट में ये रिपोर्ट आई कि बोले ये नाक के ऊपर ये दो चीजें हैं कुछ गोल गोल, वो हम लोगों पास नहीं है, और इसी की वजह से ये ऐसी बेवकूफी की बातें करता है, तो अगर ये इसकी दोनों निकाल दी जाए तो ये इसका बात कर ऐसा बेवकूफी की बातें करना बंद हो। तो राजा ने कह दिया ठीक है निकाल दो, बढ़िया लो महाराज, अब तो निर्णय हो गया सुप्रीम कोर्ट का कि भाई इसकी ये दो आंख है ये निकाल दो, ये ऐसी बेवकूफी की बातें करता है। महाराज डेट निश्चित हो गई ऑपरेशन की, अब वो बड़ा परेशान। इसी बीच में कहानीकार ने कल्पना की है कि उस देश के राजा की एक राजकुमारी थी, तो उसके साथ उसका दोस्ती हो जाती है, वो दोस्ती प्रेम में परिणत हो जाती है, वो उसे राजकुमारी उसे प्रेम करने लगती है, वो राजकुमारी को, अब वो राजकुमारी को वही सब बातें बताता है, राजकुमारी को भी विश्वास नहीं होता। अब धीरे धीरे ऑपरेशन की जब बात आई तो राजकुमारी इसको समझाती है कि देखो माय डियर, मैं तुझसे बहुत प्रेम करती हूँ और तुम यहीं रहो हमारे पास, और वो कहते हैं कि तुम ऑपरेशन करवा लो, तुम ये चीज क्या है, ये तो कोई ऐसी, जैसे मस्सा निकल आता है हम लोगों के, भाई मस्सा निकलवा देते, तो ऐसी तुम उठपटांग बातें करते हो, ये तुम ये निकलवा लो तो ये ठीक हो जाएगा, तुम्हारा दिमाग ठीक हो जाएगा, ऐसा उसको। अब वो कैसे समझाए उनको कि तुम बेवकूफ हो, संसार में कुछ ऐसी भी चीज है
जो इनसे देखी जाती है तुम्हारे पास है ही नहीं, अब मैं तुमको कैसे समझाऊं। उसने कई बार भागने की कोशिश की लेकिन वो भाग नहीं सकता था। उन लोगों के पास इतनी सेंस थी कि उसको बार बार पकड़ लाते थे। ये तो अद्भुत आदमी है, कहाँ से आया है, इसको पकड़ के ले आओ। उसको बार बार पकड़ के लाते। अब महाराज उसका अंतिम ऑपरेशन की डेट निश्चित हो गई और ये हुआ कि अब वो सोचा कि अब हम बच नहीं पाएंगे, अब ये इन सबकी तो आँख फूटी है और हमारी भी आँख खोल डालेंगे ये सब। लेकिन कहानीकार ने कहानी का जो अंत है वो अच्छा रखा है और अंत में उसने ये निर्णय लिया है कि उसको भागने का मौका दिया उसको वहाँ से। तो मौका देख करके तो वहाँ से वो भागता है, लोगों से छिपता हुआ, किसी के सेंस में नहीं आ जाऊँ, क्योंकि कितनी दूरी पर वो उसने सब पता लगा लिया था कि इतनी दूरी पर रहता हूँ तो लोगों को मालूम पड़ जाता है कि मैं यहाँ पर हूँ और लोग पहचान जाते हैं। तो इसलिए वो बचता हुआ वहाँ से वो भागता है, भाग करके वापस अपने देश में चला आता है। ये कहानी इसका सार इतना ही है लेकिन कहानी बड़ी रोचक है और शायद इसका हिंदी अनुवाद भी है। आप लोग चाहो तो हिंदी अनुवाद पढ़ो, अंग्रेजी जानते हो तो अंग्रेजी में पढ़ो। कंट्री ऑफ द ब्लाइंड्स आपके इंटरनेट पर भी उपलब्ध है। आप कंट्री ऑफ द ब्लाइंड्स टाइप करोगे तो ये कहानी पढ़ने को मिल जाएगी, बहुत बढ़िया है। अब इस कहानी को जब मैंने पढ़ा आज से 50 साल पहले की बात है, 50-60 साल पहले जब मेरा विवाह भी नहीं हुआ था, तभी मेरे दिमाग में एक इस कहानी का जो सार है, परपर्ट बोलते हैं इसको, लक्ष्य उद्देश्य, वो मेरी समझ में आया। मैंने सोचा ये जो कहानीकार है H.G. वेल्स, इसके दिमाग में ये इसकी बुद्धि में कैसे आया, सारा देश अंधा, ऐसा हो सकता सारा देश अंधा, ये तो संभव ही नहीं, सारा देश अंधा कैसे हो सकता। लेकिन आज जब मैं देखता हूं तो सारे देश की बात नहीं है, सारा विश्व अंधा, एक दो व्यक्ति नहीं, सारा विश्व अंधा। और अंधे होने पे क्या होता है, अंधे होने पे ये होता है भाई आप भी अंधे हो और मैं भी अंधा हूं और रोड पर आप उधर से आ रहे हो और मैं इधर से जा रहा हूं तो क्या होगा, टकराएंगे, अंधे ही टकराते हैं, टकराएंगे और एक दूसरे को घायल करते हैं, घायल भी कर सकते हैं, मर भी सकते हैं, मार सकते हैं। आज संसार में क्या हो रहा है, संसार बिल्कुल युद्ध, विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा है। युद्ध क्यों टकरा रहे हैं, आंख नहीं है, अंधे है इसलिए टकरा रहे। तो यहाँ आंख का मतलब है, केवल आंख का मतलब है जिससे हमको ज्ञान, किसी भी तरह का ज्ञान होता है। एक संस्कृत का बहुत बढ़िया श्लोक है, अनेक संशयोच्छेदी, अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम सर्वस्य लोचनम शास्त्रम यस्य नास्त्यंध एव सः। शास्त्र, शास्त्र मतलब जो हमको कंट्रोल में रखता है, हमको अपने नियंत्रण में रखता है, उस हमारे ऊपर शासन करता है। शासन करने का मतलब हमको कहता है कि ऐसे नहीं, ऐसे चलो, ऐसे नहीं, ऐसे करो। हमारे सुबह उठने से लेकर के रात सोने तक की जितनी भी क्रियाएं हैं, उन क्रियाओं पर जो नियंत्रण रखता है कि नहीं ऐसे करो, ऐसे मत करो, उसका नाम है शास्त्र। उस शास्त्र से ही हमको मालूम पड़ता है कि हमको क्या करना चाहिए और हमें क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए उस शास्त्र को लोचन, लोचन माने आंख कहा गया। सर्वस्य लोचनम शास्त्रम। अब जिसको उस शास्त्र का ज्ञान नहीं है और जो उस शास्त्र के अनुसार नहीं चलता है तो वो अंधा ही है। अनेक संशयोच छेदी, वो शास्त्र कैसा है, आपके मन में किसी भी प्रकार का संशय हो तो उस संशय को वो शास्त्र दूर करेगा।
और क्या काम करता है शास्त्र? बोले परोक्षार्थस्य दर्शकम्। संसार में केवल वही वस्तु वही पदार्थ नहीं है जिसका जिसका बोध जिसका ज्ञान हमको प्रत्यक्ष से होता है। केवल प्रत्यक्ष पदार्थ नहीं है संसार में, संसार में ऐसा भी पदार्थ है जो परोक्ष है। परोक्ष है मतलब हम आंख से उसको देख नहीं सकते, कान से उसको सुन नहीं सकते, नाक से उसको सूंघ नहीं सकते, हाथ से उसको स्पर्श नहीं कर सकते। ऐसे भी चीजें हैं तो उनको हम कैसे जानेंगे? अगर उनको हम नहीं जानेंगे तो फिर हम उनके अनुसार आचरण कैसे करेंगे? अगर उनके अनुसार आचरण नहीं करेंगे, अब अच्छा एक बात बताओ, कहते हैं कि सबके प्रति भाईचारा रखना चाहिए, भाईचारा ये कहते हमारे देश का संविधान है वो कहता है इस देश के नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो आपस में भाईचारा बनाए रखे। भाईचारा, भाईचारा माने क्या होता है? दो भाइयों में जिस प्रकार का आचरण होता है वो आचरण बनाए रखो। तो भाई कैसे कहते, भाई कैसे कहते? एक ही माँ बाप से जो उत्पन्न संतान है उसको भाई कहते। आपके माँ बाप अलग, हमारे माँ बाप अलग, हम दोनों भाई भाई कैसे हुए? अच्छा भाइयों में, दो भाइयों में कैसा आचरण होना चाहिए ये कैसे मालूम पड़ता है? कौरव पांडव भी तो भाई भाई थे, उनका जो जैसा आचरण वैसा आचरण होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्यों, वो भी तो भाई भाई थे। बहुत से भाई भाई होते हैं आपस में लड़ते हैं जमीन के लिए, एक दूसरे को खून कर देते, गर्दन काट देते। एक भाई का दूसरे भाई के साथ आचरण कैसा होना चाहिए इसका ज्ञान आपको कैसे होता है? प्रत्यक्ष से होता है क्या? नहीं होता है। प्रत्यक्ष में तो देखते हैं भाई भाई ये लड़ते हैं आपस में, तो भाई का भाई के प्रति आचरण कैसा होना चाहिए ये ज्ञान हमें कैसे होता है? ये ज्ञान हमें रामायण पढ़ के होता है। जब हम राम का चरित्र पढ़ते हैं तब मालूम पड़ता है कि देखो भाई का भाई के प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए, है कि नहीं? तो इसलिए रामायण जो है वो शास्त्र है, वो सिखाता है, वो बताता है कि भाई का भाई के प्रति आचरण ऐसा होना चाहिए। अब जो जो रामायण पढ़ता नहीं, रामायण जानता नहीं, तो वो तो अंधा ही है ना, उसको मालूम ही नहीं है कि भाई का भाई के प्रति व्यवहार कैसे करना चाहिए। जब जानता ही नहीं है तो आचरण कैसे करेगा, और आचरण नहीं करेगा तो क्या करेगा? लड़ाई करेगा, युद्ध करेगा, वही हो रहा संसार में। तो वो अंधा है। ये शास्त्र जैसे रामायण हुआ, महाभारत हुआ, गीता हुई, भागवत हुई, 18 पुराण हुए, वेद हुए, ये सब शास्त्र है। इन शास्त्रों से हमें परोक्ष अर्थ का ज्ञान, परोक्ष अर्थ माने भाई का भाई के प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए, पुत्र का पिता के प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए, शिष्य का गुरु के प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए, पति का पत्नी के प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए, प्रजा का राजा के प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए, राजा का प्रजा के प्रति व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये व्यवहार, ये सब परोक्ष बातें, ये प्रत्यक्ष बात नहीं है। इस बात को कौन बताएगा? इन आंखों से तो मालूम पड़ती नहीं है, और जिनसे मालूम पड़ती उनको हम मानते नहीं है, तो हम अंधे ही हुए ना। इसलिए ये सारा देश, देश ही नहीं सारा विश्व अंधा है, कंट्री ऑफ द ब्लाइंड्स। वो कंट्री ऑफ द ब्लाइंड्स में जो कंट्री है, जो देश है, जिस देश की कल्पना की है, उसमें जो अंधे लोग हैं ये वही अंधे हैं। ऐसा नहीं है कि किसी की ये आंख नहीं हो, ऐसा नहीं, वे ही अंधे हैं जिनके पास वो शास्त्र नहीं है, उस शास्त्र से वंचित हो गए लोग। अब उस शास्त्र को लोग गालियां देते हैं, कोई मनुस्मृति को जलाता है, है कि नहीं, कोई रामायण में दोष निकालता है, ये सब वो लोग हैं जो वो पर्वतारोही था उसकी आंख फोड़ने के लिए तैयार थे। वो ये चाहते हैं कि जैसे हमारी आंख फूटी हुई है ऐसे ही तुम्हारी भी आंख फूट जाए, और आंख जैसे हम लोग आपस में लड़ रहे हैं ऐसे ही इस लड़ाई में तुम भी शामिल हो।
और लड़ करके तुम हमें मारो, हम तुम्हें मारें, संसार में यही हो रहा है, आपस में लड़ करके सब मर जाओ। गांधी जी ने या किसी ने कहा था ना कि भाई एन आई फॉर एन आई, इसका क्या मतलब है? किसी ने किसी की आंख फोड़ी तो उसके बदले में उसकी भी आंख फोड़ो, इसका मतलब ये हुआ कि सारा संसार अंधा हो जाएगा। तो हो जाएगा नहीं, संसार अंधा हो गया है, वो आंख इसी तरह से फोड़ी जा रही है। कि आप कोई किसी शास्त्र को मानता है कि भाई हम तो इस शास्त्र के अनुसार चलते हैं, तो बोले उसकी आप उसको निंदा करो, उस शास्त्र को जला दो, ये आंख फोड़ नहीं हुआ ना। कुछ लोग कहते हैं हम राम को भगवान नहीं मानते, कृष्ण को भगवान नहीं मानते, हम ब्रह्मा प्रतिज्ञा करते हैं कि हम ब्रह्मा को विष्णु को शिव को भगवान नहीं मानेंगे, प्रतिज्ञा करवाते हैं। अरे भाई, जिन शास्त्रों में ब्रह्मा विष्णु शिव का वर्णन है उन्हीं शास्त्रों में सत्य का भी वर्णन है। मनु ने स्पष्ट लिखा है, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौच इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्य मक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। अब आप अनुस्मृति को जलाते हैं, इसका मतलब क्या है कि देखो ये धर्म है, इनका जीवन में पालन करना चाहिए, ये बात आपको कहां से मालूम पड़ेगी? मनुस्मृति से मालूम पड़ती है। धृति धैर्य होना चाहिए, क्षमा होनी चाहिए, धृति क्षमा दम अपने इंद्रियों पर कंट्रोल होना चाहिए, अस्तेयम दूसरे की चीज बिना उसके इजाजत के बिना उसकी अनुमति के नहीं लेना चाहिए, शौचम अपने आप को पवित्र रखना चाहिए, इंद्रिय निग्रह अपने इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए, अपने मन दम अपने मन को कंट्रोल में रखना चाहिए, धीर बुद्धि होनी चाहिए, विद्या अध्ययन होना चाहिए, सत्य और जीवन में सत्य सत्य का भाषण होना चाहिए, और अक्रोधा और क्रोध नहीं करना चाहिए। ये दशकम धर्म लक्षणम, ये धर्म के दश लक्षण है। अब ये धर्म, अब बताओ इनके बिना जीवन चल सकता है क्या? तो इनका ज्ञान हमें कहां से होगा? मनुस्मृति से होगा। ओ मनुस्मृति को आप जला रहे हो, मनु को आप गालियां दे रहे हो। अरे आपने कभी मनुस्मृति पढ़ी है क्या? नहीं पढ़ी है आपने कभी? रामचरितमानस पढ़ी है? रामचरितमानस में तो लिखा है, सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुग पानी। मैं तो समझता हूं कि ये सारा संसार सिया राम मैं हमारे जो इष्ट देव है, अब आप सिया राम की जगह राधा कृष्ण को रख लो, हमें क्या परेशानी? आप खुदा को रख लो, हमें कोई परेशानी नहीं। आप गॉड को रख लो, आप वाहेगुरु को रख लो, हमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन जो खुदा को बताता है, जो गॉड को बताता है, जो वाहेगुरु को बताता, हमारा जो ग्रंथ सिया राम में बताता है, सिया राम को बताता है, वही ग्रंथ ये भी बताता है कि ये संसार सिया राम में है। माने इस संसार ये जो दिख रहा है ना, ये सिया राम का ही स्वरूप है, सिया राम से अलग कोई चीज नहीं है, ये भावना का। इसीलिए तुलसीदास जी महाराज सबको सिया राम समझ करके ही सबको प्रणाम करते, ये भावना उनके हृदय में। अब बताओ ये भावना जब तक किसी सबके हृदय में नहीं होगी, तब तक संसार में क्लेश, संसार में आपस में युद्ध, ये कभी बंद हो सकता है? कभी नहीं बंद होगा। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि जो हमारे प्रभु हैं, जो हमारे इष्ट देव हैं, वही सामने बैठे, वही आपके रूप में हमारे प्रभु ही बैठे हैं, जब तक हम ये नहीं समझेंगे तब तक हम आपसे लड़ने में संकोच नहीं करेंगे, युद्ध करने में संकोच नहीं करेंगे, आपका विरोध का, आप हमसे लड़ोगे, हम आपसे लड़ेंगे। यही संसार में हो रहा, इस युद्ध को, इस क्लेश को, सारे दुख सारे, अगर सब लोग इस बात को समझ जाएं तो सब एक दूसरे की मदद करें, सब एक दूसरे की सहायता करें। हो रहा है बिल्कुल उल्टा, हम तुम्हारे ऊपर मिसाइल दाग रहे हैं, तुम हमारे ऊपर मिसाइल दाग रहे हो, हम तुम्हें मार रहे हैं, तुम हमें मार रहे हो, दोनों मर रहे हैं, दोनों का नाश हो रहा है, बोले एक दूसरे को खत्म करके तब। अरे भाई तुम जिस दिन तुम निर्बल होगे, तुमको कोई दूसरा खत्म कर ले,
ये तब बंद हो सकता है, तभी बंद हो सकता है जब आपके पास आंख होगी। आप ये बात देखोगे, इसको समझोगे कि भाई जो हमारा इष्ट देव है वही संसार के रूप में हमारे सामने है, तभी ये जो विरोध दिख रहा है ना, ये विरोध तभी शांत होगा। जब तक ये आंख आपके पास नहीं होगी, तब तक आपके पास ये दर्शन नहीं होगा। जब तक ये दर्शन नहीं होगा, तब तक ये युद्ध, ये संसार में क्लेश कभी भी शांत नहीं हो सकते हैं। नमस्कार। धर्म की आवाज।